तो यहाँ पर वोडाफोन के और बीएसएनएल के नेटवर्क बहुत अच्छे आ रहे हैं। हालांकि वोडाफोन 3G पकड़ रहा है, 4G नहीं पकड़ रहा, लेकिन नेटवर्क अच्छे है। घर पे बात कर सकते हो फैमिली के साथ, कोई इशू नहीं है। एक और जगह गई, यहाँ पर भी कैंप साइट रहती है लोगों, क्योंकि हाँ ये बोनफायर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे कैंप वही बड़ी कंपनी वो बोल नहीं रहती, वो भैया बोल रहे थे वो रमोला जी, वो कह रहे थे जो बड़ी कंपनी आती है सीधा ऊपर आती है, सीधा यहाँ पे कैंप लगाती है, करती है और वापस चली जाती है कैंप उखाड़ के। कुछ नाटी पापे भी लगाते हैं। थोड़ा और आगे है, हमें फिर से छोटा सा बुग्याल टाइप दिखा है, ग्रास लैंड। और जब भी हम ऐसी चीज़ देख रहे हैं हमें अफसोस हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम काश अपना कैंप यहाँ पे लगाते रात को। भाई आप लोगों के लिए भी नॉलेज है, कभी आओ काफी ऊपर तक आ सकते हो, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बल्कि टेंपल पे कहीं भी कैंप लगा सकते हो आप इस ट्रैक पे। वहाँ से पर्ची कटवानी पड़ती है अगर फॉरेस्ट वाले मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बल्कि फॉरेस्ट वाले जब वहाँ नहीं रहते अपना रजिस्टर दादी को देके जाते हैं, बोलते हैं अगर कोई आए तो इसमें नाम लिख लेना। यहाँ पे शायद 100 रुपीज चार्ज है कैंप लगाने का। अब नया रूल और कर दिया मुझे वो रमोला भैया बता रहे थे कि गाइड कंपलसरी है अगर यहाँ पे आपको कैंप अगर ऊपर जंगल में जाना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 4 लड़के खो गए थे, डीएम के ऑर्डर आए, डीआरएफआई उन्होंने ढूंढा और वो बहुत मुश्किल से मिले, और ढूंढने के बाद फिर उनको दंड दिया गया, मतलब जेल में भेज दिया गया था ऑलमोस्ट, पर फिर उनको माफ कर दिया गया। एक बार अगर वो जेल में चले जाते तो शायद छुटना मुश्किल हो जाता, क्योंकि फॉरेस्ट के रूल बहुत हार्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सिविल कोर्ट नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया ताकि उनका करियर बर्बाद ना हो। फिर भी लिखा हुआ है दंडनीय अपराध है अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं। तो ये जो आप नीचे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये कई सौ सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये बहुत ही मजबूत होते हैं। काई लगी हुई है इन पेड़ों पर, ये ऊपर भी पेड़ों पे काई लगी हुई है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पेड़ दिखते हैं वो बांझ, मोरू और एक ही है कि हमारा स्टेट फ्लावर है बुरांस। ये बहुत ही ज़्यादा पेड़ है, यहाँ पर पूरा जंगल इसी का है, बांझ, मोरू और बुरांस का। और ये ट्रेल है, समिट के काफ़ी क्लोज है, नाग टेम्पल आने ही वाला है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे जब वन देवता का एहसास हो रहा है, इसलिए एक बार वन देवता की जय जय। जब हम मधमेश्वर गए थे वन देवता के जयकारे हमने बहुत लगाए थे, और मुझे महसूस हो रहा है वन देवता, इसलिए बोलते देवों में उत्तराखंड। रियली में कल से हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बिल्कुल भी, नींद भी बहुत अच्छी आई, ना पानी की कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं, आंधी एकदम से रुक गई जैसे हमने जयकारा लगाया। मजा आ रहा है और मौसम देखो कितना बेहतरीन, और ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट कर रहा है कि जब हम जाएंगे तब ये बिगड़ेगा। इस बर्ड की साउंड सुन रहे हो आप, ये सिर्फ हिमालयन रीजन में मिलती है ये आवाज़ें, जब आप ट्रैक करते हैं जैसे मैंने मधमेश्वर का ट्रैक किया तब सुनाई देती हैं ये आवाज़ें। ये किस्मत वालों को, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत चलना पड़ता है, बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। वाह मज़ा आ गया भाई, ट्रैक मेरे ख्याल से 75% कंप्लीट हो गया होगा हमारा। रियली हमें अभी एनर्जी बार चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ी। राहुल भाई बोल रहे हैं कि चॉकलेट खानी है, मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं, बाकी हम खा लेंगे थोड़ी देर में, बचा के क्या करना, फिर तो हमें जी उतरना है। लेकिन की बात यह है कि राहुल भाई आप बताओ, दुख की बात यह है कि ये जो आप रैपर देख रहे हो ना, ये मोस्टली जो ट्रैकर आते हैं या ट्रैवलर आते हैं, यार इस सब चीज़ों को बिल्कुल मत करो। देखो अभी इतना सुंदर ट्रैक है, इतना अच्छा ट्रैल है, हम लोग ऐसे फन कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आप जंगलों में इसको फील कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस एक चीज़ ने पूरा फील ही खराब कर दिया। कम लोग आते हुए लेके जाएंगे साथ में, क्यों सर? हाँ देखते हैं, अगर हमें ज़्यादा कूड़ा नहीं मिला, क्योंकि हमें ये रैपर दिखाई दिया है, जितना हम कर सकते हैं 2-4 तो उठा ही सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ब्लॉगर का देख रहा था यूट्यूब चैनल, तो वो रोहतांग से आ रहा था, तो उसको बहुत सारा कूड़ा दिखाई दिया, उसने बोला मैं नहीं उठाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, कूड़े वाला थोड़ी हूँ, इतना उठाऊं इन लोगों का कूड़ा, क्योंकि उसने पहले भी बहुत बार उठाया, लेकिन वो उठाते उठाते थक गया, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए इस कूड़े को उठाना एक सोल्यूशन नहीं है, मतलब लोगों को जागरूक करना। हालांकि जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लोग, ये 90% समझदार ही है, चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ताकि और भी ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसे कूड़ा नहीं फैलाना। हमें रास्ते में कुछ इस तरह की घास दिखाई दी बिल्कुल स्लोप पे, और राहुल भाई इसके बारे में कि ये ऐसी घास क्यों है। विंटर में यहाँ पे बहुत स्नोफॉल रहता है, तो स्नो क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ मेल्ट होकर आता है, राइट? तो ऊपर इसके ऊपर काफी ज्यादा बर्फ रहती है, और ये देखो आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे की तरफ घास। माउंटेन ट्रैफिक, तो सर ये माउंटेन ट्रैफिक था, ये था माउंटेन ट्रैफिक, माउंटेन ट्रैफिक। और इन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, अब जाके रिलैक्स करेंगे, खाना पीना खाएंगे। और इन्होंने बोला बकरी वाले जो बच्चा लेने गए ऊपर, वो ऊपर ही हैं बहुत सारे बकरी वाले, और टेंपल आ ही गया बस, चलो चलते हैं हम भी, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है।
टाइम टू ड्रिंक वाटर एंड ईट चॉकलेट। अब देखो मैं पानी कैसे पी रहा हूँ इससे। इसके ऊपर ये पुदीना पड़ा हुआ है अंदर, इसके अंदर मिट्टी काफ़ी है क्योंकि ये जंगलों से पानी आ रहा है, तो इसी से पीना पड़ेगा मुझे छान के। बहुत बढ़िया। अब तो इसमें मिंट, जब से हिल रही है बोतल तो मिंट पूरी तरह से घुल चुका है और मज़ा आ गया। राहुल भाई चॉकलेट निकालो। इस दिन लोगों की थोड़ा सा आवाज आई हो हल्की सी, कॉर्बेट चला गया और लेपर्ड तो है ही। लेपर्ड देखो, लेपर्ड से डर नहीं आता। मैंने खाने वाने का बनाया था ना मैगी वगैरह, ये क्या, अरे मजा ही आ जाएगा ये इतना हार्ड सेट है उसमें तो। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है। तो कैसा रहा प्रॉपर्टी? हम बस यहाँ मंदिर तक ही गए, ये भी हमें छोड़ के चला गया था। हम इसको देखे भाई शेर खान, शेर खान किधर? कल रात ना इसको यहाँ पे 60-70 लोग आए थे परसों वीकेंड पे, तो सब नॉन वेज खाया होगा इसने, तो हमने मैगी दी तो मैगी इसने खाई नहीं, वहीं पर छोड़ दी। तो हमने सोचा कैंप के पास कोई जानवर ना जाए, तो हमने मैगी दूर रख के आ गए थे, सुबह तक नहीं खाई। बिस्कुट खाए इसने, पर ये कि पूरी रात जगता रहा और मुंह उस तरफ था इसका, अपोजिट साइड में, कभी भाग रहा इधर भाग रहा, कभी सीआर वगैरह होंगे ना मैंने टॉर्च से देखा तो है तो सही है, बहुत सही है। अरे तो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब क्वाइट है, इसने इसको ऐसे डराया इसने ना। अच्छा। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं कहा होगा, ये तो दोस्ती कर ली इन तीनों ने। निडर भी बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये कहां किस तरफ जाएगा, जाएगा तो अभी मैं तुम्हारे साथ जाएगा, इधर ही ऊपर नीचे होता रहता है, पानी वानी भी नहीं पी रहा, पानी भी नहीं पी रहा। अभी हमारे पास बिस्कुट है, अगर जाएगा तो दे देंगे हम इसको। शेर खान को हम बहुत मिस कर रहे थे, मिल गया हमको। इन भाई का ये जंपिंग हाइट पर है, बंजी जंपिंग करवाते हैं। अच्छा। ओके ऋषिकेश में कभी आना। हम तो ऋषिकेश बहुत घूमते हैं, हम वहां पे व्यू पॉइंट से बैठ के हम बहुत देर तक हमने देखी, काफी सारी देखी थी हमने, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअली ऋषिकेश इनका तो घर ही ऋषिकेश है, मेरा भी सेकंड होम ऋषिकेश है, ऋषिकेश से बहुत प्यार है। हम तो बहुत ऋषिकेश जाते हैं क्योंकि मेरा घर एकदम कुआं वाला में है ना, मेरे घर से एकदम लाइक 19 कितना मुश्किल से। अच्छा आपका बिल्कुल एज पर है, जहां से जन्म हुआ है बिल्कुल वहीं से। तो चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलेंगे। आप एक बार नंबर ले लेना भाई का। तो भाई अभी हम मंदिर के पास पहुंचने वाले थे कि भैया मिल गए हैं। एक्चुअली हमें कल सुबह मिले थे, जा रहे थे जब, और इन्होंने ट्रैक खत्म भी कर दिया और हम अभी जा रहे। तो भैया मिले, भैया भी ऋषिकेश में बहुत घूमते हैं, देहरादून से हैं, उत्तरकाशी से भी हैं, और मैम ने भी रिवर राफ्टिंग की हुई है, क्लिफ जंप की हुई है। तो राहुल जी ने इनवाइट कर रहे थे कि बंजी जंपिंग पे भी आए। बंजी जंपिंग तो देखो दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बट आई विल ट्राई, डेफिनेटली गोना विजिट यू एंड टेक यू देयर। कुछ करेंगे, हो सकता है हम नीलकंठ ट्रैक भी कर लें। देखो वहां पे इतने अच्छे ट्रैकिंग है, तो नीलकंठ वाला है, एक है नीर झरने से ऊपर कुंजापुरी टेम्पल। अच्छा। वहाँ इतना अच्छा होता है कि जैसे गर्मी में जा रहे हो ना आप, एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो। तो गया हूं मैं, बट पूरा ऊपर नहीं गया हूं मैं। कुंजापुरी से आते हैं। अच्छा। जाते भी हैं और आते भी हैं। अच्छा। जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो नीर झरने में नहाओ, इतना फील आता है, कितना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है वो, तो बहुत अच्छा पानी है वहां का। तो दो ट्रैक तो वहां पे इतने गजब है, और भी बहुत सारे ट्रैक है वहां पे, मजा आता है। और बेस्ट एक चीज और बताऊंगा आपको, बेस्ट है अगर आप लोगों ने पटना वाटरफॉल का नाम सुना है, पटना वाटरफॉल भी बहुत सुंदर है। और कुंजापुरी का जो एडवांटेज है ना, वो अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज वहाँ से बहुत सुंदर होता है, बहुत ही बेस्ट सनराइज, बेस्ट सनराइज है। हम लोगों का क्या होता है सर कि मेरा पर्सनल क्या है कि मैं जब निकलता हूँ तो मैं अर्ली निकलता हूँ 5 बजे मॉर्निंग, और फिर 1 घंटे में पहुँचते हैं ऊपर बाइक से, और वहाँ से सनराइज पूरे फाउंडर्स योगा इंस्टीट्यूट से वहीं जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा। योगा करते हैं और सन ना जमीन से दिखता है ऐसे, आप ऊपर हो तो नीचे से दिख रहा है ना, तो ऐसा गजब लगता है। मेरे पास नंबर है, आपको पक्का डेफिनेटली कॉल करूंगा, मॉनिटर जरूर करेंगे, साथ में चलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे से कितनी सारी पिक्स दिखती है, माउंटेन पीक्स, स्वर्गवाणी दिखती है, ब्लैक पीक दिखता है, बंदर पूछ दिखता है, बहुत ही सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, शिवम जी से मिलते हैं सुन। तो शेरू भाई अभी बिल्कुल हमारे साथ आ रहे हैं, चलो शेरू जी चलते हैं ऊपर, चलो 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 कम। तो एक्चुअली शेरू को हम ढूंढ रहे थे कि शेरू गया कहाँ, गया कहाँ, गया कहाँ, लास्ट टाइम पे गायब हो गया ये, तो ये भैया के साथ लग गया था। इसको बिस्कुट मिलेंगे टेंपल पे पहुँच के, है ना, आ जाओ।
हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो विंटर में जरूर आएंगे, क्योंकि विंटर में हमें बहुत स्नो रहती है, असेंड डिसेंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ के नज़ारे अलग होते हैं। ये पेड़ देख रहे हो कितना पुराना है, कितना बड़ा होल है, कई साल पुराना पेड़ है। ये देखो ट्रेल देखो कितना सुंदर है। और एक बार हम लोग फिर मैदान से निकल के, यानी कि मिडो से निकल के हम लोग जंगल में आ गए, फिर वैसी हरियाली मिल रही है और ऑक्सीजन मिल रही है, चलने में बहुत मजा आ रहा है। तो बिना रुके ट्रैक करने से ये फायदा रहता है कि आप धीरे धीरे चलते रहो अपने रिदम के साथ में, आप थकते भी कम हो और आप इंजॉय भी करते हो नेचर को, और चलने में भी आपको आसानी होती है। तो चलते चलते एक और वो क्या मिला है, देखिए शेर खान हमारा आगे जा रहा है। मेरे ख्याल से ये टेंपल से पहले लास्ट बुग्याल है, धूप के लिए बहुत अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि हम हाइट पर है थोड़ा हवा भी चल रही है यहाँ पे, हमें खुशी है शेरू ने हमें ज्वाइन किया और इसको कुछ दिखाई दिया, शेरू को देखो कुछ दिखाई दिया है और शेरू चेक करने गया है। एक्चुअली ऐसी जगह पर ना हिरन दिख जाते हैं, काकड़ दिख जाते हैं, और मधमेश्वर की यात्रा के दौरान भी मुझे एक बहुत बड़ा हिरन दिखा था, वो काकड़ नहीं था, सांबर टाइप था और बहुत तेजी से भाग रहा था, उसके पीछे डॉग भाग रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। तो वहाँ दूर शेफर्ड्स की बकरियाँ हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कॉटेज वगैरह बनाए हुए हैं ये उनके लिए, जो यहाँ पे स्टे कर सके जो नाटी पर ट्रैक पर आए। और ये पूरा मीडो है ये देखिए। और एक चीज़ हमें आपको दिखाना है, नीचे देखो ये पेड़ जला हुआ है, यहाँ नीचे देखो ये जो पत्तियाँ रखी हुई हैं, घर बना हुआ है एक, तो ये शेफर्ड्स के घर हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और ये टेम्परेरी अपना शेल्टर बनाते हैं मानसून के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे रहते हैं, सर्दियों के टाइम पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। कुछ लोग मेरे ख्याल से कम लोग आते हैं उधर से, सब इधर से आते हैं, सब इधर से आते हैं, यहाँ थोड़ा बेस कैंप की व्यवस्था हो गई है, लोगों ने होटल वोटल बनाने की शुरू कर दी है। चलो बढ़िया है, मैं तो तुम्हारे मेरिट आ चुका हूँ, पिछली बारी में एक डेढ़ महीने पहले गया था। अच्छा अब तो बहुत गर्मी पड़ रही दबा के वहाँ। तो फाइनल ये है भाई बकरी और बकरी वाले, उधर जूम कर देते हैं उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं सेफर लोगों से, देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं ये। और शेरू यहाँ से देख रहा है बकरियों को, और हमें मंदिर पे जाना, मंदिर उधर है, हमने सोचा ये मंदिर तो दिख नहीं रहा है, ये घर ही है, मंदिर वहाँ पर है। ये दूसरा डॉग आके बहुत क्यूरियस है यार, इसको कैसे देख रहा है, लड़ाई ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बकरी वालों का डॉग है भाई दूसरा। नहीं भाई दोनों घुर्रा रहे हैं आपस में, गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकता भाई ऐसी अवस्था में, उसके ऊपर तुमने हाथ तो लगा दिया। शांत हो गया, शांत हो गया, पर बेचारे को एलर्जी हो रही है उसके, अभी ये मानेंगे नहीं, लड़ाई तो करेंगे थोड़ा बहुत। तो हम ना शेरू को बिस्कुट दे देते हैं अभी, क्योंकि ये शायद आगे नहीं जा रहा, क्योंकि आगे दूसरे कुत्ते का इलाका है और वो इसको इसके अंदर नहीं जाने देगा, हमें वहाँ मंदिर में जाना है। तो शेरू को रिवार्ड तो रह जाएगा, फिर ये इधर उधर घूम जाएगा पिछली बार की तरह। वो भैया इनको भगा रहे नीचे की तरफ, और देखो बकरी का बच्चा छोटा सा यही लेने आए थे वो दो गांव वाले नीचे से ना, क्योंकि वहाँ पे कितना प्यारा, वो भाग गया। ये इसकी माँ है देखो, ये इसकी अपनी माँ के साथ साथ है, और एक छोटा सा मैं देख के, अरे टक्कर भी मार सकती है गाधी, ये टक्कर भी मारते हैं पता है तुम्हें, वो एक यूट्यूब पर चैनल है राम, वो बहुत, वो इसको पूरा चैनल पता है, मिलियंस में व्यू है सिर्फ इसलिए वो टक्कर मारती रहती है भैया। अरे अरे वाह, अरे वाह, बस 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 बस, ये छोटे वाला भी आया उसको अटैक करने, शांत 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 शांत, बस 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 बस, ये हमारा शेर है, नहीं लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, इनका इलाका है ना ये। अब भैया गर्मी में आप ऊपर आ गए ना, अभी नीचे से नीचे होंगे, अब इधर ही रहोगे गर्मी गर्मी। चलो बहुत बढ़िया, आज क्या बनाया खाने में, रोटी और सब्जी, सब्जी चावल, अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम भी देहरादून से आए थे, रात वहाँ रुके,
छानी में माता जी के पास, वो दादी जी हैं, फिर अब मंदिर जाएंगे, ऊपर घूम के आते हैं। ये शेरू हमारे साथ है सुबह, इसको बिस्कुट दे रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कुक भी बढ़िया है, इनके लिए भी बनाते होंगे आप रोटी कुत्तों के लिए। देखो ये कैसे डर रहा है उससे छोटे वाले से भी। शेरू आ जाओ, बस 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 बस। ये नीचे से आया गांव से, मतलब यहीं से 5 किलोमीटर नीचे से, यही वह आता रहता है ऊपर नीचे, किसी के साथ भी आ जाता है। हालांकि ये भी खतरनाक है, पूरी रात रखवाली करी इसने, पर यह है कि ये दूसरे कुत्तों को कुछ नहीं कहता। मेरठ से, मेरठ से, यूपी मेरठ। बाकी वैसे देहरादून में रहते हैं वो भाई, ऋषिकेश से हैं, वो गढ़वाल से ही हैं। नहीं खाओ पियो कोई बात नहीं, हमने वो दादी है ना नीचे, उन्होंने बोला क्या बनाया, मैंने बोला वो चावल राजमा बनाया उन्होंने, मैंने कहा चलो आके खाते हैं। वहाँ पे हमारा बैग वैग सब रखा हुआ है। पर ये एक्टिव पूरे रहते होंगे, रखवाली तो पूरा करता होगा ये भी। ये भी तेज है बहुत, ये भी कम नहीं है, उस पर एलर्जी होगी उसको। चलो ठीक है भैया, चलते आगे। ओके, वगैरह वगैरह तो होते होंगे, भालू भी। शेरू आ जा, शेरू आ जा इधर। ये तो गलत बात है तेरी, रोटी के चक्कर में रुक गया। शेरू आ जाओ, शेरू आ जा, शेरू आ जा। अब शेरू आ ही नहीं रहा, वहाँ पे खाना बन रहा वो वहीं पे रुक गया। अब आ रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे आ रहा है, वो छोटे वाला उसको छोड़ ही नहीं रहा, हमारी बात मान नहीं रहा, ये छोटे वाला तेरे को काट देगा। सामने टेंपल आ गया है, ये बाउंड्री है टेंपल की, ये दर्शन करके हमें शायद वहां से भी रास्ता है या इधर से कहीं से टॉप पे जाएंगे। आ जाओ। वी फाइनली वी रीच्ड नियर नागदेवता टेम्पल, और अब यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद नाग देवता के, और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। यहाँ से लगभग 1 घंटा और लगेगा, विल सी कितना हमको टाइम लगता है ऊपर समिट करने के लिए। जो झंडी टॉप है वो समिट है, वो पहले दर्शन कर लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, मज़ा आ गया। अगर पता होता हम शायद यहाँ पे रुकते, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये देखा है। लोग यहाँ पे आते होंगे, मेला भरता होगा, है ना, बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता, ज्यादा मान्यता है कि दादी माँ बोल रही थी कि इनकी वजह से मैं डरती नहीं हूँ, अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और मुझे आज तक इतना भी कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता मेरा, सिर्फ नाग देवता की वजह से। जो देखते हैं मंदिर, अंदर चलते हैं। फाइनली पीछे है नाग देवता का टेम्पल, इनसी कितनी शांति मिल रही है यहाँ पर, मजा आ गया। पूरे ट्रैक में बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, सुबह से हमने लगभग 4 किलोमीटर हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, जो हमारा बेस कैंप था जहाँ हमने टाइम कैंपिंग किया था, और वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। हमने नज़ारों को इतने एंजॉय किया, इतनी शांति थी, इतना पीस था, मतलब कहते हैं ना जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ का, वो बिल्कुल पे छुमंतर हो गया। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो अभी सुभाष सर अंदर चले गए हैं पूजा करने के लिए, और ये है पूरा नाग टेंपल, नागराजा की जय बोलो, शिवधाम। एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है यहाँ पर, पानी मुझे लगता है प्राकृतिक पानी है, और यह जी मंदिर। ये बहुत ही हज़ारों साल पुराने देखो पत्थर रखे हुए हैं, इनकी बहुत ही मान्यता होती है, मूर्ति बनाई हुई है। ये गणेश जी लग रहे हैं मुझे, इनके बगल में मोर हैं। ऐसे धाम पे आओ तो जितनी आप में श्रद्धा है थोड़ा बहुत दान कर दो, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं, इतनी दूर आए हम इनकी वजह से आए थोड़ा। बाउंड्री बनाई हुई है, कुआं है, छत है इसकी, बाकी और भी चीज़ें हैं। अब मुसीबत के टाइम पे पता चला आप आए हुए, बहुत तेज़ बारिश होगी तो कम से कम ये छत भी है। और जैसी हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू धर्म ने हमें सिखाया है और जो बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, मंदिर में जाएं या कहीं भी आश्रम में गुरुद्वारे में थोड़ा बहुत अपना जैसा चलता है ऐसा चलने दीजिए। बिल्कुल, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा हल्का भी लगता है बहुत, कभी करके देखो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो अब हम जूते पहनते हैं और जाते हैं ऊपर सबमिट के लिए। ओके, नीचे से आए मंदिर से, और राहुल भाई ऊपर दिखा दो कहाँ जाना है।
ये स्लोप।